ये तथ्य तो आपको भली भांति ज्ञात ही होगा कि नीला कपड़ा राहु का होता है। राहु की शांति के लिए नीले कपड़े में कुछ चीज़ें बांध के दान दिया जाता है। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। नीले कपड़े में ये चीज़ बांध कर अगर आपने अपनी तिजोरी में रख दी तो धन के ढेर लग जाएंगे, धन का भंडार खड़ा हो जाएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका कोई भी काम बिना रुकावट के पूरा होगा। तो क्या चीज़ रखनी है और क्या माजरा है, ये आज के वीडियो का टॉपिक यही है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ मित्रों। आइए कंटिन्यू करते हैं अपना वार्तालाप को और बताना प्रारंभ करते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करना। मित्रों, मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु पर शोध कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं परामर्श आपको भली भांति दे सकती हूँ। इसे नियमित हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, इसमें वीडियो भी हम आपको बताते हैं, परामर्श भी देते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करना होता है। सभी सर्विसेज नॉमिनल से चार्जेस अदा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं बात कर रही हूँ जामुन के पेड़ की। जामुन के पेड़ का औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है और लेकिन ज्योतिषीय महत्व नहीं है, लेकिन तंत्र शास्त्र में इसका बहुत महत्व है। तंत्र शास्त्र में इसका महत्व इसलिए है कि जामुन के पेड़ के समक्ष कोई अन्य पेड़ उत्पन्न हो जाए और उसका पोषण और आहार जामुन के पेड़ के द्वारा ही उसको मिलता रहे, ये बांदा कहलाता है। और बांदा अति शुभ होता है, किसी भी वृक्ष का बांदा अति शुभ होता है। तो आपको बांदा अगर प्राप्त हो जाए, जामुन के पेड़ के पास अन्य पेड़ लगा हुआ मिल जाए, लेकिन इसलिए ये आश्वस्त कर लें कि वो पोषण जामुन के पेड़ के द्वारा ही उसको मिल रहा है, तभी ये वर्क करेगा बांदा। इस बांदे को ले आए विधिवत, जिस विधि से बांदा लाया जाता है, जिस विधि से निमंत्रण दिया जाता है वृक्ष को, वो विधि हम अन्य वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, विधिवत शुभ मुहूर्त में निमंत्रण देकर आना है। और अगर आपके घर में ही लगाया है तो निमंत्रण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप तोड़ सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही ये काम करें तो आपको तभी फ़ायदा होता है। इस बांदे को तोड़ लें और यानी जड़ उसकी तोड़ लें और उसको नीले कपड़े में रैप करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए, अत्यंत लाभ मिलेगा। चाहे तो माता लक्ष्मी का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ये जानकारी भी हम अनेक वीडियो में आपको दे चुके हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस जानकारी से आप वंचित रह सकते हैं। तो हमारा निवेदन यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, यहाँ जो जानकारी मिलेगी अन्य कहीं नहीं मिलेगी। विविधताओं भरे वीडियो हम आपके लिए लाते हैं और ये हमारे अनुभव पे बेस होता है। तो आपको नीले कपड़े में जो बांदा होता है उसको रैप करके, विधिवत पूजा करके और तिजोरी में रख देना है और माता लक्ष्मी का मंत्र जाप करना है। स्वच्छ होकर ही ये काम करना है, अंडरस्टूड है? तो स्वच्छ होकर ये काम करिए और फिर देखिए, धन के ढेर लग जाएंगे, मान सम्मान, अगर आपका कौड़ियों के मोल भी नहीं मिलता है तो मान सम्मान इतना मिल जाएगा कि बिन मांगे ही आपको लोग पूजने लगेंगे, आपकी आर्थिक उन्नति होने लगेगी, आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। ये बांदा इतना कमाल का होता है, हर वृक्ष के बांदे कमाल के होते हैं। हमने बांदे पे अन्य वीडियो भी बनाया है, उसको भी वॉच करिए तो आप पाएंगे कि बांदा कितना काम का होता है। और बांदे को तो हमेशा अपने घर में रखना ही चाहिए। तंत्र शास्त्र में बांदे का बहुत महत्व है, हमने बांदे पे कुछ वीडियो बनाया है, उन वीडियो को देखिए और आप इस जानकारी को प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच।